हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और इधर हम बनाने लगे हैं खाना। तो आज सब्जी में बनाएंगे भिंडी की सब्जी। तो भिंडी को काट लिया है और बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है और हल्दी मिर्चा भी पीस कर रख लिया है। तो बस भिंडी को छौंक देते हैं। और वैसे तो ज़्यादातर हम भिंडी की सब्जी भरवा वाली भिंडी बनाते हैं, लेकिन आज बनाएंगे कट की हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे हम नमक मिर्च की भिंडी बनाते हैं उसी तरीके की भिंडी कट की हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और बनाएंगे हल्दी मिर्च की भिंडी। तो इधर पहले हल्दी मिर्चा भून लेते हैं, उसके बाद में भिंडी की सब्जी हमारी बन जाए, फिर सेकेंगे रोटियां। और आज रोटियां सेकेंगे मोटी वाली, क्योंकि भिंडी की सब्जी के साथ में आज मोटी वाली रोटियां सेकेंगे। और अब की काफ़ी दिन हो गए हैं तब से हमने मोटी रोटियां सेकी भी नहीं है, तो सभी का बड़ा ही मन है मोटी रोटियाँ खाने का। तो वही आज मोटी रोटियाँ सेकेंगे और भिंडी की सब्जी बनाएंगे। और उधर बुआ लेटी हुई हैं, क्योंकि बुआ बहुत ज़्यादा थक गई हैं। और है ना कि सुबह से लगे रहो काम में, फिर बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है। और जो भी बाहर के काम होते हैं वो सारे काम ज़्यादातर बुआ ही संभालती हैं, जो कि हमारी सासू माँ। और जो घर के काम होते हैं वो हम लोग संभाल लेते हैं और थोड़े बहुत बाहर के भी देख लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बुआ ही संभालती हैं बाहर के काम। और धूप भी आ चुकी है, तो धूप तो वैसे रोज ही यहाँ पर आ जाती है। और गर्मी भी हो रही है, गर्मी तो अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि जून का महीना चल रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जून जुलाई इन्हीं महीनों में गर्मी होती है ज़्यादा, उसके बाद में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। और बारिश हो जाए फिर उसके बाद में इतनी ज़्यादा गर्मी ना लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इन दिनों में गर्मी हो रही है। और इधर मैंने भिंडी की सब्जी छौंक दी है और नमक मैंने आज हल्दी मिर्चा में ही डाल दिया था। तो है ना कि जो भिंडी की सब्जी है बहुत जल्दी से ही बन जाती है, तो फिर नमक वो है ना कि पिघल नहीं पाता है। तो आज मैंने हल्दी मिर्चा में ही पीस लिया था नमक को भी। तो इधर हमारी भिंडी की सब्जी बन गई है और आटा भी मैंने लगा लिया है। तो बस अब सेंक लेते हैं रोटियां मोटी वाली। तो इधर तावा चढ़ा देते हैं और गर्म हो जाए, उसके बाद में बस रोटियां जल्दी जल्दी से सेंक लेते हैं। तो है ना कि मोटी रोटी थोड़ी सी हमारी जल्दी भी सिक जाती है और नहीं भी सिकती है, क्योंकि घे में सिकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, दूर से आँच में सेंकना होता है धीरे धीरे, तो अच्छे से हमारी रोटी सिक जाती है। तो आज वही हम मोटी वाली रोटियाँ सेकेंगे। तो इधर रोटियां सेकनी मैंने शुरू कर दी हैं। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया था कि चौरैया की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और कई दीदियां हमारी चौरैया की सब्जी नहीं भी जानती हैं, तो कई दीदियों ने कमेंट यह भी किया था कि चौरैया क्या होती है। तो चौरैया एक सब्जी होती है जो कि गाँव देहात में ज़्यादातर ही पाई जाती है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही खेतों में हो जाती है, ना ही मार्केट में भी मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ मार्केट में नहीं मिलती है, क्योंकि खेतों में हो जाती है तो सभी लोग खेत से ही उसको ले लेते हैं और सब्जी बना लेते हैं। तो बहुत ही कम ही लोग सब्जी बनाते हैं चौरैया की, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जो लोग एक बार अगर बना ले चौरैया की सब्जी वो बार बार बनाएंगे, क्योंकि हमको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो उस दिन से तो मैंने अभी चौरैया की सब्जी नहीं बना पाई है, तो कब एक दिन फिर से हम लाएंगे तब हम बनाएंगे, क्योंकि आरोही के पापा को नहीं पसंद आई थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा मन वैसा हो गया था। लेकिन वैसे तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो किसी दिन फिर से हम बनाएंगे। तो थोड़ी सी बारिश हो जाए उसके बाद में जो चौरैया है वो एकदम से हरी भरी हो जाए, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो थोड़ी सी जो चौरैया है मुरझा जैसी गई है, तो अच्छी नहीं लग रही है दिखने में। तो थोड़ी सी हरी भरी हो जाए उसके बाद में हम फिर से बनाएंगे। तो बगिया में हमारी बहुत सारी चौरैया खड़ी है, तो वहीं से लेकर आए थे, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगी थी। और इधर हमारी रोटियां थोड़ी सी सिक भी गई हैं और इधर मैंने सारी रोटियां सेक ली हैं। और अब डाल देते हैं बेल, क्योंकि बेल भी आए हैं खेत से। जैसे कि आप सभी को एक बार मैंने दिखाया था, जहाँ पर हमारी अमरूद वाली बगिया है वहीं पर बेल के पेड़ दो खड़े हैं, तो वहीं से पापा तोड़ कर इनको लाए हैं। तो काफ़ी ऊपर लगे हैं ऊंचाई पर, लेकिन जो है ना कि लंबे से लग्घे से तोड़ लेते हैं लंगूस बनाकर, तो टूट जाते हैं। और अभी उसमें लगे भी हैं, बहुत सारे लगे हैं, तो भून कर खाओ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो जब तक भून लेते हैं किसी किसी दिन तो अच्छे लगते हैं खाने में। और इधर हमारी घास भी आ चुकी है, पापा घास भी खेत से लाए हैं। और कपड़े भी मैंने सारे धुलकर फैला दिए हैं, क्योंकि दो साड़ियाँ हो गई थी तो दोनों साड़ियाँ हमने नई वाली धुल दी हैं। तो कपड़े भी हमारे सूख गए थे, थोड़े बहुत सूख गए थे, थोड़े बहुत नहीं सूखे थे। और धूप पूरे में आ गई है अब तो पीछे वाले घर में, और काफ़ी टाइम हो चुका है। उसके बाद में इधर हम लोग आ गए हैं घर पर। तो यहाँ पर जो हमारा कमरा बना है नया वाला रूम,
जो कि हम लोगों ने बनवाया है, तो वहीं पर आज आरोही के पापा करवा रहे हैं पुट्टी। तो ये भैया पुट्टी करने के लिए आए हैं। तो वैसे तो अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन अपने आप उतने अच्छे से नहीं बनती है, तो वही इन्होंने इनसे भैया से बोल दिया था कि पुट्टी कर देना, तो वही ये करेंगे। तो यहाँ पर ये घोल बना रहे हैं पुट्टी का। तो पहले घोल बना लेते हैं कि किस तरीके कितनी गाढ़ी या पतली लगनी है, तो उसी तरीके से तैयार कर लेंगे, उसके बाद में ही यहाँ पर पुट्टी करेंगे। तो एक ही दिन में पुट्टी हो गई थी। इतना ज़्यादा बड़ा हमारा कमरा भी नहीं है और ना ही इतनी ज़्यादा दीवारें हैं, बस इसमें अंदर की साइड में करनी है और थोड़ी सी बाहर की साइड में, बस हो गई थी। पूरे दिन में पूरा दिन लग गया था वैसे पुट्टी करने में, तो वही ये भैया लग गए हैं पुट्टी करने में। तो कुछ इस तरीके से पुट्टी कर रहे हैं। तो वैसे तो आरोही के पापा ने भी इसको मतलब देखा था करके कि हमसे हो पाएगा या नहीं, तो हो तो गया था, लेकिन फिर भी आरोही के पापा के पास टाइम भी नहीं था और इतने अच्छे से हो भी नहीं पाती, तो इसी वजह से इनको भैया को कह लिया था। तो वही ये करने में लगे हुए हैं। तो आज काम यहाँ पर होने लगा है। वैसे तो काम बंद हो गया था, तो आज पुताई का काम चालू हो गया है जो कि पुट्टी हो रही है। और वैसे है ना कि ज़्यादातर हमारे यहाँ चूने से या वो सीमेंट वाइट वाला होता है उसी से पुताई होती है, लेकिन इस बार सभी लोगों ने कहा कि इस पर पुट्टी करवा लो तो अच्छा रहेगा। तो वही आरोही के पापा ने कहा चलो पुट्टी करवा लेते हैं। और थोड़ी सी पुट्टी है ना कि महंगी पड़ जाती है, जो चूने और सीमेंट से जो वाइट वाला सीमेंट आता है वो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है और पुट्टी थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है। और कई दीदियों ने हमारी यहाँ भी कमेंट किया था कि दीदी आपने टाइल क्यों नहीं लगवाई, तो टाइल हमने इसी वजह से नहीं लगवाई है क्योंकि टाइल थोड़ी सी महंगी पड़ रही थी। तो आरोही के पापा ने फिर मना कर दिया कि टाइल नहीं लगवाएंगे, फर्श करवा देंगे और आगे चलकर अगर वो लगवानी होगी तो हम लगवा लेंगे, लेकिन अभी हम नहीं लगवा पाते क्योंकि थोड़ी सी महंगी पड़ रही थी और जो फर्श है थोड़ी सी सस्ते में निपट जाती है, तो सस्ती वाली चीज़ मैंने करवाई है, तो फर्श ही डलवा ली है और पुट्टी उट्टी करवा लेंगे तो रंगाई पुताई भी हो जाएगी। और इधर उसके बाद में हम लोग आए हुए थे थोड़ा सा मार्केट, तो वही यहाँ पर हमारी दीदी जी को चाहिए थी साड़ी। तो दीदी जी कई बार हमसे बोल चुकी थी कि चलो मार्केट किसी दिन तो हमको एक साड़ी दिलवा दो, तो वही हम आए थे, हम और दीदी और आरोही आई हैं साथ में। तो आरोही को तो आप सभी देख ही सकते हैं शैतानियाँ करने में लगी हुई हैं, तो ये ऊपर की साइड में जा रही थी जीने से, तो वही हम मना भी कर रहे थे क्योंकि ऊपर भी साड़ियाँ हैं और यहाँ पर भी साड़ियाँ बहुत सारी हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर देख रहे थे प्रिंटेड साड़ी, क्योंकि बुआ ने भी एक साड़ी मंगवाई थी कि हमारे लिए भी लेके आना, तो वही ये वाली साड़ी देख रहे थे, तो पसंद तो आ गई है तो इसको भी लेंगे। और यहाँ पर आए थे फिर ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर है कि दीदी के लिए साड़ी पसंद कर रहे हैं, ये जो नई साड़ियाँ चली हैं सिल्क में क्या बोली जाती हैं कॉटन सिल्क, यही साड़ियाँ इसमें से एक दीदी को लेनी है। तो ये वाली बहुत ही प्यारी साड़ियाँ लग रही हैं, थोड़ा सा कलर इसमें अच्छा नहीं आया है लेकिन दिखने में बहुत ही प्यारी ये साड़ियाँ लग रही थी। तो इसी में कि एक दीदी ने ले ली थी, यही वाली ली थी जो ये वाला कलर है नीला वाला, तो ये वाली साड़ी ली थी दीदी ने, तो दीदी को साड़ी दिला दी थी। और भी छोटी मोटी चीज़ें ली थी जो कि दीदी को ही ज़्यादातर लेनी थी और हमको कुछ नहीं लेना था, तो हमने तो कुछ भी नहीं लिया था, बस दीदी के साथ में आए थे क्योंकि अकेले भी आना अच्छा नहीं लगता है मार्केट। तो दीदी ने कहा चलो साथ में चलते हैं और साड़ियाँ भी ले लेंगे, तो वही हम लोग आए हुए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये वाली साड़ी पसंद कर ली थी। उसके बाद में हम लोग आ गए थे घर पर, तो अब लगाने लगे हैं यहाँ पर झाड़ू, क्योंकि सुबह के टाइम यहाँ पर झाड़ू नहीं लगा पाया था और कूड़ा भी बहुत ज़्यादा पड़ा था। सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी थी क्योंकि मार्केट भी जाना था और खाना भी बनाना था, तो वही जल्दी की वजह से यहाँ पर झाड़ू नहीं लगा पाया था। तो मैंने कहा चलो इतने टाइम झाड़ू लगा देते हैं, तो लमसम टाइम हो गया होगा 4:30 का, शाम के 4:30 बज गए होंगे क्योंकि इतने टाइम ही यहाँ के काम शुरू होते हैं। तो मैंने कहा चलो पहले झाड़ू लगा देते हैं अंदर की, उसके बाद में लगाते हैं यहाँ बाहर की झाड़ू। तो अंदर की टीन की मैंने झाड़ू लगा दी है, उसके बाद में यहाँ पर आ गए हैं बाहर की साइड में। और हवा बहुत तेज़ इन दिनों में चलती है, तो बहुत ज़्यादा जो भी यहाँ सामने की जो मिट्टी है वो अंदर ही चली जाती है, तो जब हम झाड़ू लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। तो आप सभी देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा धूल उड़ रही है और अभी भी थोड़ी बहुत हवा चल रही है, तो यहाँ पर भी मैंने झाड़ू लगा दिया है। और इधर उसके बाद में हमारे यहाँ आए थे मेहमान, तो वही मेहमान बैठे हुए हैं, चाय नाश्ता कर चुके हैं। और यहाँ इधर जो है ना कि हमारी ननद जी और हमारी देवरानी जी सब्जी छील रही हैं और आरोही कुछ अपना काम करवा रही हैं, तो सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बातें भी होती जा रही हैं और साथ में हम लोग अपना काम भी करते जा रहे हैं। तो ये लोग सब्जी छील रहे हैं और हम जाएंगे अभी हल्दी मिर्चा पीसने के लिए, क्योंकि तुरई की सब्जी बनेगी तो जल्दी से खाना भी बना लेते हैं। और इधर अभी हमारा काम चल रहा है यहाँ पर,
तो यहाँ पर अभी भैया ये पुट्टी कर ही रहे हैं, तो आप सभी को दिखा देते हैं। और कमरा एकदम से चमक गया है, तो है ना कि जब ये सफ़ेद वाली पुट्टी हो गई है तो एकदम से लाइट ही आ गई है कमरे में। और वैसे तो कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा था, लेकिन पुट्टी होने के बाद में एकदम से कमरे में उजाला आ गया है और कमरा भी हमारा एकदम से चमक गया है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था, उनका नाम है एस्मिन, तो उन्होंने कमेंट किया था कि आपका कमरा बहुत ही अच्छा बना है और अपना भी ख्याल रखा करो, आरोही को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही प्यारा कमेंट किया है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो अभी यहाँ पर पुट्टी का काम चल ही रहा है, तो थोड़ा सा ही काम रह गया है और यहाँ पर आरोही भी आ गई हैं। तो आरोही यहाँ पर कुछ बता रही थी और आरोही है ना कि थोड़ी बहुत शैतानियाँ भी दे रही हैं, तो देख रहे हैं आप सभी। यहाँ पर जो पुट्टी लगाई है, अभी लगाई है, फिर भी ये निकाल रही है, उसी को देख रही है निकाल कर। तो यहाँ पर आरोही को हम मना भी कर रहे थे, तो यहाँ पर आरोही ने थोड़ी सी पुट्टी निकाल ली है और अभी ऊपर की साइड में थोड़ी सी पुट्टी रह गई है करने के लिए। और एक बार में अच्छे से पुट्टी नहीं हो पाई थी, दोबारा से पुट्टी की गई थी तब अच्छे से हो पाई थी कमरे में। तो यहाँ पर ये भैया दोबारा से पुट्टी कर रहे हैं, तो एक बार में चमक नहीं आई थी, तो इसी वजह से आरोही के पापा ने बोल दिया था कि दोबारा से कर देना तो अच्छे से चमक आ जाए, क्योंकि इतनी जल्दी से हम कलर भी नहीं करवा पाएंगे, तो अभी थोड़े बहुत दिन तक ये पुट्टी ही रहेगी, तो छूट जाए तो क्या फ़ायदा, अच्छा ना लगे। और इधर उसके बाद में हम लोग बनाने लगे हैं खाना, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं खाना, सब्जी छौंक रहे हैं, तुरई की सब्जी। तो इतने टाइम हम बना रहे हैं तुरई की सब्जी और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और जो मेहमान आए हैं वो भी बैठे हुए हैं, जो कि हमारी देवरानी जी की बहन है, तो वही बैठी हुई हैं और देवरानी बुआ सभी लोग यहीं पर बैठे हुए थे। और इधर हम फिर से आए थे, तो यहाँ पर आरोही के पापा अब कर रहे हैं सफाई यहाँ की, तो पुट्टी तो हो चुकी है, तो यहाँ पर सफाई काफ़ी करनी है, तो वही आरोही के पापा लगे हुए हैं। तो मैंने पानी चला कर दे दिया था और है ना कि हम तो खाना बनाने में लगे हुए थे, तो यहाँ पर आरोही के पापा ने अकेले ही सारी सफाई की है। और गर्मी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो गर्मी होती है तब हर जगह पर गर्मी लगती है, तो आरोही के पापा एकदम से पसीने में भीगे हैं, फिर भी यहाँ पर लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने में। तो थोड़ा टाइम लग गया था यहाँ की साफ़ सफाई करने में। और जो है ना कि जो पुट्टी गिर गई है ज़मीन पर, फर्श पर बहुत जम ऐसी गई है, तो वहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छे से साफ़ कर दिया था ब्रश से। और ये एक हमारी दीदी हैं ममता देवी, तो उन्होंने कमेंट किया है कि आपकी लाइफ और मेरी लाइफ एक ही जैसी है। तो वो दीदी जी गई थी माता वैष्णो माता के दरबार पर, तो वहाँ से आने के बाद में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा था। तो दीदी जी अब आप बताना कि आपकी तबीयत कैसी है, और कहीं पर भी अगर हम जाएं तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब ही हो जाती है, तो वहाँ पर है ना कि दूरी भी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ जाती है, इसी वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो आप जल्दी से ही ठीक हो जाएं, हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है। और इधर आरोही के पापा अभी भी यहाँ की साफ़ सफाई करने में लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है आरोही के पापा के, क्योंकि यहाँ पर भी गर्मी लगती है। और आज है ना कि सुबह के टाइम से थोड़ी देर तक शाम के टाइम भी थोड़ी बहुत हवा चली थी, लेकिन इतने टाइम अब हवा बंद हो गई है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक, आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।